हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार, एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार का लेखा करने के अंदर क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी इस बारे में बताया, और मैंने आपको बताया था कि इन द केस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म वन एक्स्ट्रा अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपेरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच नेम वॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज अपन ये अकाउंट कैसे तैयार होता है, एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करें। सपोज दो पार्टनर हैं, ए एंड बी 3:2 के अंदर पार्टनर हैं। इन्होंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एकाकी व्यापार की दशा में नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द सोल ट्रेडर, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर। इन दिस केस देर आर टू ओनर्स, यहाँ पर ए और बी दोनों मालिक हैं। साझेदारी व्यापार की दशा में पी एंड एल अकाउंट से डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा। किस में ट्रांसफर होगा? पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन ने तैयार किया था तो एरो नीचे आया था और जनरल एंट्री क्या बनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस 8 लाख रुपए के प्रॉफिट को मैं किस में ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। दिस साइड स्टैंड्स फॉर क्रेडिट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड स्टैंड्स फॉर द डेबिट साइड। कुछ स्टूडेंट्स को पोस्टिंग करने के अंदर दिक्कत आती है, यहाँ तक कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर कई बार गलती कर जाते हैं, तो इसको समझ लें, एक मिनट का काम है। अपन को पोस्टिंग करनी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इस जनरल एंट्री के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। टू स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, क्रेडिट के लिए अपन टू लिखते हैं। अब कितने रुपये से क्रेडिट हो रहा है अमाउंट सामने वाला लेंगे, 8 लाख रुपए से ये क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो सबसे पहले अमाउंट मैं क्रेडिट साइड के अंदर डालूंगा, ये 8 लाख रुपए मैंने डाल दिए। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर न तो क्रेडिट साइड में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखा जाएगा और न डेबिट साइड के अंदर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा जाएगा। यदि हमने एक्स का खाता खोला है तो बाई एक्स अकाउंट कभी भी नहीं आएगा, और इधर 2x अकाउंट कभी भी नहीं आएगा। अकाउंट कौन सा आएगा? अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। क्रेडिट का अपोजिट कौन सा अकाउंट है? डेबिट। और डेबिट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपोजिट अकाउंट का नाम लिख देंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट बताया था मैंने? ये प्रॉफिट है एप्रोप्रिएबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएबल प्रॉफिट, नियोजन योग्य लाभ को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कौन सा अकाउंट में लिया है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिया है। जनरल एंट्री क्या बनी? एरो विल गो अप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम जनरल एंट्री। पी एंड एल अकाउंट के अंदर एरो डाउन आया था, डाउनवर्ड, और इसके अंदर ऊपर गया तो भी जनरल एंट्री वही है। अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं? पहले मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। लाभ हानि नियोजन खाता एक ऐसा खाता होता है जिसके माध्यम से लाभों का नियोजन किया जाता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जिसमें केवल पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड टू द पार्टनर्स कौन कौन से आइटम है? साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के आरण पर ब्याज,
साझेदारों को यदि कोई सैलरी दी जाती है तो वो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, और यदि कोई जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो। ओनली पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन इंग्लिश प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स ए अकाउंट बाय विच द प्रॉफिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म्स आर एप्रोप्रिएटेड एंड इन विच द पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स आर शोन वेदर द एक्सपेंसेज और द इनकम्स एंड बाय विच द डिविजिबल प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्री डिसाइडेड रेशो। जिस खाते के माध्यम से लाभों का नियोजन होता है, जिसमें साझेदारों से संबंधित आइटम दिखाई जाती है और जिसके माध्यम से लाभ और हानि का विभाजन समस्त साझेदारों के बीच में उनके लाभ हानि अनुपात में किया जाता है, उसको लाभ हानि नियोजन खाता या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। डेबिट साइड के अंदर फर्म के लिए जो खर्चे हैं, जो लॉस है वो दिखाए जाएंगे। क्रेडिट साइड के अंदर फर्म के लिए जो इनकम है वो इनकम इस साइड के अंदर दिखाई जाएगी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल अकाउंट? ऑल द अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड रिलेटेड टू द इनकम्स एंड गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। वे समस्त खाते जो खर्चों और हानियों से संबंधित होते हैं और आय और लाभ से संबंधित होते हैं, आय व्यय संबंधी खाते नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। मैं डेबिट साइड ले रहा हूं, साझेदारों ने पूंजी लगाई, साझेदारों को फर्म पूंजी पर ब्याज देगी, पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए एक खर्चा है, तो डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दिया? ए को उसकी पूंजी पर और बी को उसकी पूंजी के ऊपर। ए और बी ने जो पूंजी लगाई, माना कि ए को हमने पूंजी पर ब्याज दिया 80,000 रुपए का और बी के द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर हमने ब्याज दिया 60,000 रुपए का, तो साल भर के अंदर फर्म के ऊपर लोड कितने का आ गया, खर्चा कितने का हुआ? पूंजी पर ब्याज जो है इसका खर्चा आ गया 1,40,000 रुपए। इसको अपन आउटर कॉलम के अंदर ले आएंगे। ए ने कैपिटल लगाई थी सपोज 8,00,000 रुपए की और बी ने कैपिटल लगाई थी 6,00,000 रुपए की। पूंजी पर ब्याज 10% पर एनम की रेट से दिया जाता है, 10%, 8,00,000 रुपए का 10% कितना हुआ? 80,000। और बी ने कैपिटल लगाई थी 6,00,000 रुपए की, 10% इसको इसके द्वारा लगाई गई पूंजी के ऊपर फर्म ने ब्याज दे दिया, क्योंकि ये पूंजी किसने काम में ली? फर्म ने। अब जैसे ए को सैलरी दी जाती है, फर्म ए को सैलरी देती है प्रॉफिट के अलावा, तो टू एज सैलरी, ए की सैलरी 5,000 रुपए महीने की अपन मान के चलते हैं, 5,000 रुपए की ए की सैलरी है तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स 60,000। ए को सैलरी दे दी 60,000 रुपए, साल भर की सैलरी, साल भर के एंड में किस में ट्रांसफर कर दी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर सैलरी उसके अकाउंट के अंदर जमा कर देंगे। फर्म के लिए खर्चा है तो साझेदार के लिए क्या है? इनकम है। सो बट नेचुरल फर्म के डेबिट साइड में दिखाएंगे और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाएंगे तो किस साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब अपन के ये मान के चलें कि बी को सेल्स के ऊपर कमीशन मिलता है तो इसको कमीशन दिया टू बीज कमीशन। बी का कमीशन बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में आएगा और साल भर का जो फर्म के लिए खर्चा है, सपोज उसने
सेल्स करी, सेल्स उसने साल भर के अंदर 25 लाख रुपए का माल बेचा, कितने का बेचा, 25 लाख रुपए का माल बेचा और इसको 3% सेल्स के ऊपर कमीशन दिया जाता है। 3% कैलकुलेट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ पेन एंड पेंसिल। मैंने आपको बताया था 1% यदि किसी भी फिगर का कैलकुलेट करना है तो इस साइड से दो अंकों के बाद में, दो डिजिट्स के बाद में पॉइंट ले लेंगे तो 1% कितना हुआ, 25,000। 1% 25,000 हो गया तो 3% कैलकुलेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75,000 रुपए इसका कमीशन हो गया। ये भी फर्म के लिए खर्चा है। अब किसी साझेदार का बोनस हो सकता है, किसी साझेदार का रेमुनरेशन हो सकता है। इस एग्जाम्पल में अपन ने दो ही पार्टनर लिए हैं। सपोज यहाँ पर सी और होता और सी को यदि पारस्परिक दिया जाता है, रेमुनरेशन यदि दिया जाता है तो भी हम किस साइड के अंदर दिखाते, डेबिट साइड के अंदर दिखाते। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो भी एप्रोप्रिएशन है। ऑल दीज आर एप्रोप्रिएशन। इन दिस एग्जाम्पल द प्रॉफिट इज बीइंग एप्रोप्रिएटेड, लाभ का नियोजन किया जा रहा है। अभी बंटवारा नहीं हुआ है, अभी क्या हो रहा है, लाभ का नियोजन हो रहा है। और नियोजन करने के अंदर क्या करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम अपन इसके अंदर दिखाते हैं। टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का था, 8 लाख रुपए का प्रॉफिट था। ए और बी ने आपस में चर्चा करी कि यार इस 8 लाख रुपए के प्रॉफिट के अंदर से हम 10% एक गुल्लक के अंदर डाल देते हैं। जैसे अपन घर के अंदर एक गुल्लक रखते हैं फॉर द फ्यूचर रिस्क, भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जैसे हम घर में गुल्लक बनाते हैं, वैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, व्यवसाय के अंदर एक अलग से रिजर्व बना दिया जाता है। रिजर्व कई तरह के होते हैं, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कैपिटल रिजर्व है, इन सब के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। आप लोगों के समझ में आ जाए इसलिए मैंने रिजर्व को क्या नाम दिया है, गुल्लक। 10% प्रॉफिट गुल्लक के अंदर डाल दिया, यानी कि ट्रांसफर किसके अंदर कर दिया, रिजर्व के अंदर। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट 10%। 8 लाख रुपए का 10% कितना होगा, 80,000 रुपए गुल्लक के अंदर डाल दिए। तो रिजर्व का मतलब क्या हुआ, व्हेन ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज सेट असाइडेड टू फेस द फ्यूचर लायबिलिटीज एंड फ्यूचर रिस्क इट इज कॉल्ड रिजर्व। भविष्य की आवश्यकताओं और दायित्वों की पूर्ति करने के लिए जब लाभ का कुछ हिस्सा अलग से सेट असाइडेड, अलग से रख दिया जाता है तो उसको रिजर्व बोलते हैं। ये 80,000 रुपए का लाभ किसने कमाया था, ए और बी ने। तो इसका बंटवारा किसके बीच में होगा, जब भी कभी होगा तो ए और बी के बीच में इसका बंटवारा होगा। तो ये आइटम भी किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, आईओसी पार्टनर से रिलेटेड है। ए की सैलरी ए पार्टनर है, बी का कमीशन बी पार्टनर है और रिजर्व भी किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। ये हुई खर्चे की बात और रिजर्व की बात। अब क्रेडिट साइड के अंदर इनकम क्या होगी, फर्म को एक ही तरह की इनकम होती है। पर्सनल यूज के लिए जब पार्टनर्स पैसा निकालते हैं तो उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक ही जो ड्राइंग्स है, ए ने साल भर के अंदर 1 लाख रुपए की ड्राइंग्स की पर्सनल यूज के लिए और बी ने 1,60,000 रुपए की ड्राइंग्स अपने पर्सनल यूज के लिए कर ली, तो फर्म ने पूंजी पर ब्याज दिया है, एग्रीमेंट साइलेंट नहीं है, पूंजी पर ब्याज दिया है तो आरण के ऊपर ब्याज भी लेगी। और मैं इसकी रेट ले रहा हूं 5% पर एनम, 5% सालाना, 5% एनुअल, वार्षिक ब्याज 5% है। ए का ब्याज 1% कितना हो गया, 1,000 रुपए और इसका 1% कितना हो गया, 1,600 रुपए। तो 1 लाख रुपए के ऊपर 5% की रेट से कितना ब्याज हुआ, 1% 1,000 हो गया तो 5% हो गया 5,000 रुपए और यहां पर 1% कितना हो गया,
1600 रुपये, 1600 को 5 से गुना करूंगा तो 16 पंजा 80, ये फर्म के लिए इनकम हो गई। तो स्टूडेंट्स, इनकी साल भर की ड्राइंग्स 1 लाख रुपए के ऊपर ए से कितना ब्याज लेगी, 5% की रेट से 5000 रुपये, और इसके 1,60,000 रुपये के ऊपर 16 पंजा 80, 8000 रुपये ब्याज बन गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है। एंड ऑल द इनकम्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड। सो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेम ऑफ पार्टनर, ए से फर्म को कितने रुपए की इनकम हुई, 5000 रुपये की इनकम हुई, और बी से कितनी इनकम हुई, 8000 रुपये की इनकम हुई, आरण के ऊपर ब्याज वसूल कर लिया, तो 5 और 8 13000 रुपये की इनकम फर्म को हो गई। अब स्टूडेंट्स, एक बात का आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है 1 लाख रुपए और ये 1,60,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कभी नहीं दिखाई जाएगी। क्यों, याद नहीं करना है, ड्राइंग्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स और द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। जब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स का पैसा साझेदार के पूंजी खाते में से काट लिया जाता है, और यदि कैपिटल फिक्स है तो कौन से में से कटेगा, करंट अकाउंट के अंदर से काट लिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब विभाजन योग्य लाभ कितना है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। इस साइड का यदि मैं टोटल लगाऊं तो कितना आ रहा है, 8,13,000, 8,13,000, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, रॉन्ग हो गया, 000318, 8,13,000 रुपये इस साइड का टोटल हो गया। 8,13,000 रुपये के अंदर से ये सारे आइटम मैं लेस कर दूंगा। यदि आप लोगों से डायरेक्ट यदि लेस नहीं होता है तो आप यहां पर सब टोटल ले सकते हैं। ये कौन सा टोटल है, ग्रैंड टोटल, और इसका अपन ने सब टोटल ले लिया। सब टोटल कितना हुआ, 30, इस रो के अंदर 5, 4+6 10, 17+8 25, 2+1 3,55,000, 0, 5 का 5, 4 6 10 और 7 17 और 25 का 5 और 2 1 3। अब इस सब टोटल को किसमें से लेस करूंगा, 8,13,000 रुपये के अंदर से मैं इसको लेस कर दूंगा। अब 3,55,000 रुपये के अंदर कितने जोड़ेगी, 8,13,000 रुपये हो जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। 3 0 के 3 0, इस 5 के अंदर कितने जोड़ूंगी, 3 आ जाए, 5 और 8 13 का 3, 1 और 5 6, 6 और 5 11 का 1, असल की 1 और 3 4 और 4 8, 4,58,000 रुपये, 4,58,000 जो प्रॉफिट है, इसको कौन सा लाभ बोलेंगे, विभाजन योग्य लाभ बोलेंगे। इसका विभाजन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका बंटवारा किसके बीच में होगा, ए और बी के अंदर, और ए और बी के अंदर किस रेशियो में होगा, 3:2 में। तो मैं ये प्रॉफिट जो है इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, और मैं यहां पर लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट मैं इसको डिवाइड करूंगा 4,58,000 रुपये के प्रॉफिट को 3:2 में, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45, 5 1 5 3, 5 6 30, 2 0, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, 3 6 18 का 8, 1 3 1 3 और 1 4 3 9 27, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 6 12 का 2, 1 2 1 2 और 1 3 2 9 18, इसका टोटल कितना आना चाहिए, 4,58,000 रुपये का हमने प्रॉफिट
डिवाइड किया है, इसका टोटल 4,58,000 रुपये आना चाहिए। 8, 8, 2, 10 की 0, 1 और 4, 5 और 3, 8, 7 और 8, 15 का 5, 1 और 1, 2 और 2, 4 कन्फर्म, माय कैलकुलेशन इज 101% करेक्ट। अब अपन इसको ट्रांसफर करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट में। ए का प्रॉफिट का जो शेयर आया वो कितना आया, 2,74,800 रुपए, 2,74,800 रुपए इसको मिल गए। और इसको कितने मिले, 1,83,200 रुपए। एक चीज का ध्यान रखना है, यदि कैपिटल फिक्स होती तो इस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके हम कहां पर ट्रांसफर करते, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करते। इस तरह से यह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होता है। यदि आपको जनरल एंट्री तैयार करनी है तो विद द हेल्प ऑफ एरो यू कैन पास द जनरल एंट्रीज इजीली। पहली एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल अकाउंट 80,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए। दूसरी एंट्री क्या बनी, ए की सैलरी के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल अकाउंट एंट्री नंबर 2। तीसरी एंट्री क्या बनी, एरो विल कम डाउन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू बीस कैपिटल अकाउंट, इसका कमीशन कितना था, 75,000 रुपए। गुल्लक में कितने डाल दिए, 80,000 रुपए। तो एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू रिजर्व अकाउंट एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5 फ्रॉम द क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 6 एरो विल गो अप इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर 8,000 रुपए और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंट्री नंबर कितनी हो गई, 6। एंड लास्ट जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल 2,74,800 और टू बीज कैपिटल 1,83,200। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स हैं, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। अपने वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।